जी सर, एनजीओ का बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी मत करा करो ना हर बार। नहीं मतलब देखिए अब लोग सराहा भी रहे हैं, मतलब हाँ जी अप्रिशिएट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, और दूसरा लॉकडाउन भी खुलने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं लॉकडाउन खुलने जा रहा है, मैं सरकार से दरखास्त ही कर सकता हूँ। वैसे तो हमारी महाराष्ट्र सरकार पर भी पूरा भरोसा है कि जब से उन्होंने लॉकडाउन किया है बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत हमारे जो केसेस बहुत कम हुए हैं, एंड आई एम श्योर के अब जल्दी लॉकडाउन खुल जाए ताकि और जो बेचारे गरीब लोग हैं उनका भी हम भला कर सकें। बहुत सारे लोग हैं जो लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं आ पा रहे, बहुत सारे लोगों को भी खाने की बहुत ज़रूरत है। क्या आपको लगता है 2 जून के बाद ये खुल जाएगा लॉकडाउन, और उसके बाद आपकी संस्था किस तरह से मदद करेगी? वेल हमारा मुझे पूरा भरोसा है महाराष्ट्र सरकार पे, एंड बिकॉज बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, काफ़ी कंट्रोल है, एंड आई एम श्योर के 1 जून से खुलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम और अभी हम 500 या 1000 लोगों का खाना बना रहे हैं, हम और उम्मीद करते हैं अभी बहुत ज़्यादा खाना बनाएंगे। केआरके के ऊपर आउट ऑफ द बॉक्स मैं चाहूँगा अगर आप जवाब दे दें, क्योंकि आप सलमान के बहुत क्लोज हैं। जी जी जी। केआरके ने केआरके के ऊपर कहीं मानहानि का केस, थोड़ा भीड़ मत करो भैया। हाँ, केआरके के ऊपर कहीं मानहानि का केस किया है सलमान खान ने, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वेल मैं तो ये पहली बात तो जो भी क्रिटिक्स हैं, चाहे वो मीडिया है या फिर जो भी क्रिटिक्स हैं जो मूवी के ऊपर हमेशा अपनी टिप्पणियां देते हैं, उनको पूरा हक है बोलने के लिए, बट आप पर्सनली अटैक मत करो। एंड मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि सलमान भाई ने केस किया और वो भी इतनी देर बाद केस करा है। ऐसे गधे को तो आप बहुत पहले ही आपको काबू करना चाहिए था, बिकॉज ये हमेशा और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा, जैसे कोमल नाटा है, हमेशा लोग उनको बोलते हैं कि वो खरीदे हुए हैं, ऐसा नहीं है, हर आदमी अपने तरीके से उनको बताता है, एंड हर क्रिटिक्स को मीडिया को पूरा हक है फिल्म के बारे में बोलने का, पर ये हमेशा पर्सनली अटैक करता है विच इज़ वेरी रॉन्ग। एंड मैं आपको पीछे थोड़ा याद कराऊं, सोनू सूद भाई के लिए बहुत पहले बोलते थे कि यार ये तो आलू है, ये तो किसी भी आप सब्जी में डालो आलू की ज़रूरत होती है, वैसे ही सोनू सूद है। आज वही सोनू सूद के बारे में ये बहुत तारीफ करता है कि वही सोनू सूद है जिसके बारे में इतना इसने बुरा भला बोल रहा है। सुशांत की हम बात करें, सुशांत सिंह राजपूत, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने उसके बारे में गलत बोला है तो केआरके ने बोला है। एंड मैं हैरान हूँ कि मूवी वाले, हमारे बॉलीवुड वाले इतने टाइम से चुप क्यों बैठे रहते थे, पहले क्यों नहीं किसी ने इसके ऊपर केस ठोका। सायरा अली जो सैफ अली की बेटी हैं, शी वॉज आई थिंक 17 और 18, तो अब तो हाँ एक थोड़ा थोड़ा इधर आ जा, मिलना सायरा खान के बारे में बोलूँ तो शी वॉज जस्ट 17 और 16, तभी इसने उसके बारे में बहुत बकवास करी थी कि वो हॉट लड़की है। तो ये जो पर्सनल अटैक है ये नहीं होना चाहिए, एंड बहुत अच्छा डिसीजन है कि ऐसे गधे को उन्होंने ठीक करने का मौका लिया, बिकॉज मैं डुप्लीकेट तो डुप्लीमेटिक मैं वो जवाब देता नहीं हूँ, और ये मेरा बिल्कुल पड़ोसी है जहाँ पे मेरा स्टूडियो है, तो अगर मेरे बारे में कुछ भी कभी भी ये गलत बोलेगा तो मेरी तरफ से ये केस वेस तो नहीं होगा, सीधा झापड़ होगा। आप मानते हैं सलमान ने सही शुरुआत करी है? बहुत अच्छा करा सलमान भाई ने, एंड मैं नाराज़ हूँ सलमान भाई से कि इतना देर से उन्होंने ये डिसीजन लिया, बिकॉज कहीं ना कहीं देखो आप फिल्म के बारे में बोलो, मैं भी बोल सकता हूँ, आप भी बोलो, आप पर्सनली अटैक कर रहे हो दादू वादू ये बकवासबाजी तो नहीं चाहिए ना यार, आप सीधा बोलो फिल्म अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी, फिल्म की स्टोरी बेकार थी, फिल्म की स्टोरी कम थी ज़्यादा थी, ये आपको बोलने का हक है, आप पर्सनल लेवल पे किसी को मत बोलो। अब वो कहीं अपने आप को झुकते हुए नजर आ रहे हैं केआरके, सलीम साहब को अप्रोच कर रहे हैं कि सबसे पहले केआरके इतना बड़ा चूहा है कि वो अपनी बिल से बाहर नहीं आता, उसको पता जैसे ही बाहर निकलेगा उसको झापड़ बहुत सारे लोगों से बनने वाले हैं। मेरा गाना आया था 2020 में, यकीन मानो लॉकडाउन का पहला सुपर हिट गाना था, बिकॉज लॉकडाउन में लोग गाना नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि सारे बॉलीवुड की जो इमेज थी एकदम से ख़राब हो गई थी, उसके बारे में इसने बोला ये पुराना गाना है पुराना रिमगना है, तो ये हालांकि मुझे उसको पर्सनली दुश्मनी नहीं है, बड़ी बार मेरे साथ सॉरी बोल के भी गया, अगर आप चाहो तो मैं वीडियो भी भेज दूंगा, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के भी गया, मैं उसको पूरा हक देता हूँ कि भाई तू जो तेरा ये केआरके क्रिटिक्स तुम चलाते हो बहुत अच्छा है वेरी इंटरटेनिंग, बट तुम पर्सनली अटैक करोगे बकवास करोगे डेट इज़ रॉन्ग। क्या आपको नहीं लगता कि फिल्में नहीं चली, फिल्मों में उस तरह का काम नहीं मिला तो फिल्में बहुत बड़ी फिल्में केआरके ने ये चालू कर दी? नहीं हाँ ज़रूर नहीं, मैं उसके पर्सनल काम पे नहीं बोलूँगा, मैं उसको पसंद करता हूँ जो कई बार वो क्रिटिक्स करता है, कॉमेडी करता है जो भी करता है, बट किसी के बारे में पर्सनल बोलना, बहुत साल पहले उसने सोनाक्षी सिन्हा के लिए बोल दिया था पतली हो जा ये हो जा वो हो जा, रे भाई तू कौन है भाई, हु आर यू, तू अपना तो देख, अपना लेवल देख, अपने आप को देख, अपने आप को अपना थोपड़ा पहले ठीक कर ले, फिर किसी के बारे में बोल, पर्सनल मत बोलो। हाँ उसकी क्रिटिक्स की बात है, उसका केआरके बॉक्स है, बोले अपने रिव्यू दे, जो मर्जी बोले, पर्सनली मत बोले, और फैमिली के बारे में मत बोले, किसी की बहन के बारे में मत बोले,
किसी के बाप के बारे में मत बोले, हर आदमी अपनी फैमिली से प्यार करता है एंड हम सब करते हैं। और थैंक यू सलमान भाई कि आप लोगों ने इतना अच्छा डिसीजन लिया है, बहुत लेट किया है, और भी जो इंडस्ट्री के लोग हैं ऐसे गधों को आप काबू करो, नहीं होता तो मेरे पास आओ मैं करता हूँ उनको काबू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तुम भी आइटम सही टाइम पे आए।